आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजनी, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी छपरा में। आज कार्यपालक सहायकों ने अपने चार दिन के आंदोलन के बाद आज राज्य सरकार की तुगलक नीति के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन किया। नगरपालिका चौक पर सड़कों पर उतरकर घंटों अर्धनग्न प्रदर्शन किया। गौरतलब है पिछले चार दिनों से छपरा में कार्यरत सभी कार्यपालक सहायक छपरा के नगरपालिका चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार बिहार सरकार मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। इस सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण कभी कभी नगरपालिका चौक पूरी तरह से जाम हो रहा है। वहीं सैकड़ों की संख्या में कार्यपालक सहायक अभी भी छपरा के नगरपालिका चौक के स्थित धरनास्थल पर डटे हुए हैं और लगातार राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। वहीं कार्यपालक सहायकों ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को निजी कंपनी में बेचने का कार्य ना करें, ना ही कर्मियों का निजीकरण करें। इसके साथ ही इन कर्मियों ने कहा कर्मियों का शोषण बंद किया जाए। राज्य सरकार द्वारा बिहार के पढ़े लिखे युवाओं के साथ निजीकरण को अपने का भद्दा मजाक बंद किया जाए। बिहार सरकार सकारात्मक विचार रखे, कार्यपालक सहायक के साथ सम्मानजनक समझौता करे। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम लोग आज अर्धनग्न प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले, क्योंकि जो चार दिन से हम लोगों का चौथा दिन हड़ताल का जो चल रहा है, हमारी नीतीश कुमार चाचा जी की सरकार अब इस आंदोलन को दमनकारी नीति के तहत दबाने पर उतर आई है। हम लोगों को बाइनेम चिट्ठी भेज रही है, कह रही है कि हड़ताल से 24 घंटे के अंदर वापस आओ, नहीं तो तुमको चयन मुक्त कर देंगे, तुम्हारे जगह पर प्राइवेट कंपनी से ऑपरेटर रखेंगे। तो यह अर्धनग्न प्रदर्शन सरकार के मुंह पर वो जवाब है, हम लोगों के तरफ से आपकी चिट्ठी के प्रत्युत्तर है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी चिट्ठी का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आपके सामने है। और हमारी यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि आप हमारे जायज मांगों के समर्थन में उतरकर लिखित रूप से घोषणा नहीं करते। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।